और एक बात बोलने जाता है, मेरे इधर करने से पहले क्या उनके इधर की समस्या पूरी दूर हो गई क्या, उनके एरिया पूरा एकदम अच्छा हो गया क्या जो मेरे इधर काम कर रहे, तो मेरे पे ना क्लेम मत करो, मैं किसके क्लेम नहीं करने जाता। तो आज आप हो ना करके दिखो, आज हुआ ना एक डेढ़ साल होने आया ना, तो आप आपका हिसाब बताओ, फिर उसके बाद मेरे एरिया में आके काम करने का ही करो। आपके एरिया के पूरे काम हुए होंगे ना, या पूरे नहीं थोड़े भी, लोग बोले हाँ एकदम काम थोड़े 10-20% भी काम हुए होंगे ना आपने, तो मेरे एरिया में विधानसभा का आमदार रहता है उसको अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में अपनी निधि दे नहीं सकता, ये पहली बात है। यानी आमदार निधि से 50 लाख रुपया इधर आ ही नहीं सकता। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, और ये मैं पूरी भिवंडी की जनता की तरफ से पूछूंगा कि ना लोग कहते हैं कि भिवंडी ईस्ट के एमएलए जो है वो भिवंडी को रिप्रेजेंट करते हुए हाउस में नजर आते हैं, सेशन में नजर आते हैं, लेकिन कभी हमारे भिवंडी वेस्ट के आमदार हमें नजर नहीं आए हाउस में रिप्रेजेंट करते हुए भिवंडी को, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसे ही फेंकम फाक करने वाला काम नहीं है, लेकिन आज भी बोलता हूँ अपना क्षेत्र में सब लोग आके काम करे, भिवंडी का काम, लेकिन सिर्फ ना झूठ बोल के काम मत करो, और सिर्फ अपने लोग है बोल के कोई भी चार लोग उठ के तारीफ 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 करना बंद, जो करता उसको करने दो ना तारीफ, और करेगा तो मैं भी करूँगा तारीफ उसकी। रुपेश मात्रे विधान जो अपना सेशन चलता है, सेशन में 3 बार वो जीने पे बैठे हैं, पायरी पे बैठे क्या टोरेंट के मसले में। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है पनाश लॉन स्टूडियो नाउ इन भिवंडी, हाउस ऑफ एक्सक्लूसिव इम्पोर्टेड डिजाइनर ब्रांड्स इन रेडीमेड एंड अनस्टिच सूट्स विद वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी फैब्रिक्स, ऑल टाइप्स ऑफ सूट्स शरारा एंड गाउन्स विद क्वालिटी मटेरियल एंड स्टाइलिश लुक ऑन प्रॉमिसिंग प्राइस बाय पनाश एट अलाबास टावर आमपाड़ा रोड फोर्थ निजामपुरा अपोजिट सुपर बेकरी भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस न्यूज़, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कल हमने एक वीडियो डाला था, एक रिपोर्ट बनाई थी भिवंडी के बस डिपो की, जहां पे हमने बताया था कि क्या खस्ता हालत है, और पिछले 4 महीने पहले उन्होंने यहाँ पे भिवंडी ईस्ट के आमदार उन्होंने कुछ वादे किए थे जो कि हमें पूरे होते हुए नज़र नहीं आए। उन्होंने कहा था कि कुछ फंड सेंक्शन होगा 12 लाख रुपए का इमीडिएटली, फिर 50 लाख रुपए का, उसके बाद में हमने वहाँ पे देखा कि कोई किसी भी तरह का जो है पब्लिक सुविधा नहीं है, खाली कुछ पत्रे के शेड्स बने गए थे। तो यहाँ पे असल में वो जो बस डेपो है वो जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है भिवंडी वेस्ट में, तो आज हम उनके आमदार साहब के पास आए क्योंकि उन्होंने जब वो वीडियो देखा तो उन्होंने हमको बुला लिया उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, उसके ऊपर बात करने के लिए। तो हमारे साथ में भिवंडी वेस्ट के MLA महेश चौकले साहब है। तो दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दादा आप हमें बताइए कि जो भिवंडी ST स्टैंड है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी आती है उसके अंदर, तो उसको दुरुस्ती करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA को आने की क्या ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आता क्या इधर आने की ज़रूरत क्या है उनको। ज़रूरत बोले तो भिवंडी का मसला है, भिवंडी के मसले के लिए कोई भी आ सकता है, अच्छा काम होता है तो काम होने दो, उसमें भी मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन जो आप छोटा सा काम या कुछ भी काम नहीं करते और उसका ज़्यादा बवाल करते हो या ज़्यादा लोगों को दिखाते हैं, वो भी गलत है। अभी आप मेरे को बताइए क्या काम किया है उन्होंने जो हम आप बोलते हैं कि उनको आने की ज़रूरत पड़ रही, तो मेरे को मालूम पड़ेगा ये चीज़ उन्होंने की है जी। तो आप मेरे को समझाना क्या किया है उन्होंने, क्या आपके माध्यम से ऐसा क्या लगता है उन्होंने मेरे इधर क्या किया है। और एक बात बोलने चाहता है, मेरे इधर करने से पहले क्या उनके इधर की समस्या पूरी दूर हो गई क्या, उनके एरिया पूरा एकदम अच्छा हो गया क्या जो मेरे इधर काम कर रहे, और मेरे इधर मेरे हिसाब से कुछ कोई कुछ काम नहीं किया, जो काम करूंगा मैं ही करूंगा और मैं ही कर रहा हूँ। और उनका अगर ऊपर ज़्यादा फोर्स आए ज़्यादा ये है तो उन्होंने भी करना चाहिए, भिवंडी वालों का अच्छा हो भला होना चाहिए, और भिवंडी हम भी चाहते तरक्की पे जाए भिवंडी, और कोई अच्छा आदमी आता है और अच्छा करता है तो उससे भी हम लोग उनका वेलकम है पूरे भिवंडी का, और मैं भी उसमें कर रहा हूँ। लेकिन आप बताइए उन्होंने क्या किया है जो आज इतना आप लोग उसका इतना ये कर रहे हैं न्यूज वाले, क्या हुआ ऐसा किया वैसा क्या किया है जी? देखिए वहाँ पे तो हम लोगों को हमारे चैनल पे उन्होंने बात करते हुए कहा था कि हमने इमीडिएटली जो है 12 लाख रुपए का फंड सेंक्शन करवाया है और 50 लाख रुपए जो है और 50 लाख रुपए तक का बजट जाएगा जो कि ST परिमंडल देगा करके वो कह रहे थे कि उन्होंने करवा के लिए आएगा। एक बात ये ऐसी मांगनी है कि दो चीज़ें खासतौर से टॉयलेट और पानी जी वो सुविधा होनी चाहिए, तो आज उस पर ये तय हुआ कि 12 लाख का इमीडिएट रिपेयर चालू करते हैं, मतलब इमीडिएट मतलब अभी फ़ौरन जी, और ये रिपेयर 50 लाख तक जो बेसिक हो सकता है उसके लिए हमने प्लानिंग की है, 12 लाख अभी और बाकी का पैसा जो है
और एससी देगी। दूसरी बात, जैसे आप बोल रहे हो कि क्या भिवंडी ईस्ट में सारी सुविधा सारी समस्याएं कम हो गई है, खत्म हो गई है, तो हमने भी अभी तक नहीं देखा कि वहाँ पे कुछ समस्याएं खत्म हुए, चाहे फिर वो रोड का इशू हो, स्कूल्स का हो, ये सारी चीज़ें तो हमें भी देखने को नहीं मिल रही। लेकिन मुद्दा यहाँ पे आ रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एक माध्यम जो है वो एसटी है, तो वहाँ पे फिर आपने उसके ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया, कुछ आपने उसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव लिया है क्या बस डिपो को सुधारने के लिए? एक पहली बात मैं बता दूँ, मैंने भी सुना था आमदार फंड से 50 लाख रुपए उन्होंने दिया है जी। क्या आपके न्यूज़ पे था या किसके न्यूज़ पे था? था, और उनके भी अकाउंट पे था, पेज पे था ऐसा, क्या आमदार निधि पे था? और एक 38 लाख रुपया कोई संस्था से दिलाया था जी। कोई संस्था है, कोई उसने दिलाया था। लेकिन एक बात ये मैं पहले बोलना चाहता हूँ, क्या आमदार लोकसभा का अपना विधानसभा का आमदार रहता है, उसको अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में अपनी निधि दे नहीं सकता? ये पहली बात है, यानी आमदार निधि से 50 लाख रुपया इधर आ ही नहीं सकता, और वो आया नहीं, एक पहली बात। यानी फिर तुम क्यों लिखते हो कि आमदार निधि से मैंने 50 लाख रुपया दिया जी। और आप जो 12 लाख की बात कर रहे हैं, तो मैंने ऊपर वो सचिव से बात किया है, 12 लाख ये साल का मेंटेनेंस का खर्चा आता है, हाँ कुछ नहीं 12 लाख मेरे पास लिखा है, मेरे पास उधर का ये पत्र है, लगेगा तो आप देख लो, मैं झूठ बात नहीं कर रहा क्या, मैं वो मेरे को आदत नहीं है। लेकिन 12 लाख वो साल का आता, वही पैसा 12 लाख हर साल आता है मेंटेनेंस का, नया कौन सा लाया? और कौन सी संस्था है जो संस्था ने आज उसे शौचालय के लिए दिया, वो भी देखाओ। तो वो काम मत करो, जो है आज सरकार में हो तो सरकार से पैसा लाओ। और मैं बोलता हूँ, सिर्फ विधान परिषद का आमदार रहता वो फंड दे सकता है, आमदार निधि विधान MLC का वो फंड दे सकता है, इधर आमदार निधि के लिए 50 लाख रुपया उसका जो निधि रहता वो दे सकता है, कोई ऐसा आदमी कोई नहीं दे सकता है। कि मैं भी चाहता हूँ, मेरे भी लोग पूरब में है। तो आपने क्या किया फिर उसके लिए, मतलब आपने, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना? मैंने ये सब्जेक्ट मैंने विधानसभा में उठाया, उठाने के बाद वह अनिल परब ने मेरे को लिख के दिया है, मैं तुमको ये दिखाता हूँ। क्या ये स्मार्ट सिटी में ऐसे 13 आमदार मिलके हमने ये सब्जेक्ट उठाया था कि तुमको स्मार्ट बस स्टैंड बना के देंगे, तो ये है, ये मेरे पास लिखा है, आप लगेगा तो लेके जाओ। ये कभी का है? ये कभी का, ये अभी यानी गए साल का है, अच्छा, कोविड के पहले की बात है। ऑलरेडी ये इशू उठ चुका था यार, मेरा तो पहले से ही चल रहा, क्योंकि मेरे इधर मेरे को क्या तकलीफ है मेरे को मालूम है ना। तो इसके लिए मैंने वो किया है कि उधर स्मार्ट बना के देंगे, ये बात हुए, कुछ ऐसी भी बात हुई, नहीं हुआ तो अपन BOT में देंगे। लेकिन आपको ये ट्विटर पे डालना चाहिए था, डालना चाहिए, मेरी थोड़ी कमजोरी है समझो, क्या मैं ये फेसबुक ट्विटर थोड़ा सा कम हूँ, क्या मेरे को डालने में ये नहीं, आप लोग डालते हैं ठीक है, लेकिन डालने दे लोगों को, ये अच्छी बात है, लेकिन कोई गलत मत डालो, क्योंकि किसके भी गलत डाल के क्या करने वाले। नहीं तो तुम बताओ, चलो तुमने आमदार निधि दिया कहा है, और तुम बोलते मैंने 12 लाख लाया कहा है, जो बताओ मेरे पास पेपर है, लगेगा तो वो भी आपको चाहिए तो वो भी देता हूँ मैं। सिर्फ झूठ बोल के मत करो कुछ, किसको बदनाम मत करो, यानी मेरे को तो बदनाम मत करो। तो दोबारा हम लोग फिर से इसके ऊपर आते हैं कि अभी इसके ऊपर जो है, आपने बोला कि अनिल परब जी का जो जवाब आया है, तो वो जवाब में क्या आया थोड़ा सा बताइए। जवाब में आया है कि हम ये ऐसे 13 जो है ना, 13 जो इनकी हालत खराब है, इनके लिए हम लोग फंड उपलब्ध करेंगे, और लगेगा नहीं हुआ तो हम लोग BOT में भी करके देंगे। BOT में ये हमने प्रश्न उतारे, 13 इसमें 13 आमदारों मिलकर हमने किया था, और ये भी उसने लिख के अपना भिवंडी का नाम है ये देखो, तो ये क्या गलत नहीं है इसमें? क्या मैं, क्या मैं कुछ ऐसे ही फेंकम फाक करने वाला काम नहीं है। लेकिन आज भी बोलता हूँ, अपना क्षेत्र में सब लोग आके काम करें, भिवंडी का काम हो, लेकिन सिर्फ ना झूठ बोल के काम मत करो, और सिर्फ अपने लोग है बोल के कोई भी 4 लोग उठ के तारीफ 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 करना मत करो, जो करता उसको करने दो ना तारीफ, और करेगा तो मैं भी करूँगा तारीफ उसकी। अच्छा दादा, हम थोड़ा सा ये पूछना चाहेंगे आपसे, ये सब्जेक्ट को हटके, के ऐसे ही भिवंडी शहर में थोड़े से और भी समस्याएं और भी परेशानी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लेके अगर हम देखेंगे तो हेल्थ केयर वगैरह के जो कुछ हेल्थ सेंटर है जो कॉरपोरेशन के अंडर में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका भी अगर इनिशिएटिव लेगा तो डेफिनेटली वो हेल्थ सेंटर में जो है अच्छा लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। और दूसरी एक प्रॉब्लम ये है कि जो IGM हॉस्पिटल है तो वो इसमें है, क्या बोलते हैं उसको, उप जिला में है वो, तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपका भी रोल उसके अंदर आता है उसको सुधारने में, तो थोड़ा उसके लिए भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बोलिए कि आपका क्या रोल रहेगा IGM को सुधारने में या हेल्थ सेंटर को सुधारने में। अभी देखो, आज तक जितना हमने लाया था, वो जो मशीन है सोनोग्राफी है उसकी मशीन हमने लाया था, आपने तो आते आते उसको शुरुआत कर दी, लेकिन आज भी क्या कर रहे हैं,
आज भी उधर डॉक्टर की कमी है, आज भी खस्ता हालत है। हाँ, आज भी। तो फिर वही बात है ना, हम वही लोगों को दिखाना चाहते थे, हमने तो किया है, लेकिन डॉक्टर की कमी, वहाँ लोगों की स्टाफ की कमी वजह से वो बन नहीं है भाई। आज तुम बोलते वही होने के बाद, चुन के आने के बाद तुमने तो चार पाँच दिन में ही चालू किया पार्टी लगा के, यानी मैंने किया ये किया, वो टाइम पे कुछ हुआ वो अपने समझ में आया, लेकिन क्यों हुआ? तो आज क्यों नहीं, आज क्यों हालत है? आज तुम ही देखते हो ना, चलो रुपेश मात्रे जी थे वो करते थे, एक बोलेंगे वो भी बोलते थे, वो भी क्षेत्र में थे, हम भी सब मिल के करते थे, चल आज रुपेश मात्रे नहीं, तो आपने कौन सा कुछ किया? आज हालत क्या अच्छी है क्या? इसीलिए तो मैंने सवाल किया ना, क्योंकि हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो फिर कैसा बोल सकते? फिर तो काम कैसा है, काम करने में तकलीफ आती है। हाँ। क्या तुरंत काम होता नहीं? मैं भी जानता हूँ कि मेरे से भी तुरंत हो नहीं रहा, क्योंकि हम उसके पीछे लगते हैं, लेकिन एक अपन बोलते ना गवर्नमेंट ऑफिसर, प्रोसेस होता है। हाँ, प्रोसेस भी होता है, और कितना सुनता है, कितना बोलना पड़ता है, कितना करना पड़ता है। आमदार है ठीक है, अपन बोलते अपने सामने हाँ हाँ करते, लेकिन बाद में क्या करते कुछ? एक फाइल पिलने के लिए हमको कितनी दौड़ना पड़ता है, क्योंकि क्या क्या है, आज लोगों को ये जो आदत लगी है, और हम भी अच्छे बुरे करके काम करके आ, तो कितने साल हमको अच्छा लेके, उनको समझदारी से बात करके, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करके, आज तो इतना काम तो हमने किए। मेरे इधर 3 ब्रिज बनाए मैंने, आज 3 ब्रिज का काम चालू है पूरे, मैंने बोलते हैं ना 12 रोड सीसी रोड के काम चालू है पूरे एरिया के, तो ये काम मैंने पहली बार किया है ना, यानी इससे पहले कहाँ हुआ था, लेकिन आज भी आप आए हो, आप मेरे से कई गुना ज़्यादा होशियार, कई गुना ज़्यादा हो, लेकिन इसके बाद तो आप ही करना चाहिए कोई भी, तो मेरे पे ना क्लेम मत करो, मैं किसके पे क्लेम नहीं करने जाता। तो आज आप हो ना करके दिखो, आज हुआ ना 1-1.5 साल होने आया ना, तो आप आपका हिसाब बताओ, फिर उसके बाद मेरे एरिया में आके काम करने का ही करो। आपके एरिया के पूरे काम हुए होंगे ना, या पूरे नहीं थोड़े भी, लोग बोले हाँ एकदम काम, थोड़े 10-20% भी काम हुए होंगे ना आपने, तो मेरे एरिया में आओ। क्या मेरे एरिया में कुछ काम नहीं हो रहा है? तुम आके तुम इधर भी संभालो। दादा, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, और ये मैं पूरी भिवंडी की जनता की तरफ से पूछूंगा कि ना, लोग कहते हैं कि भिवंडी ईस्ट के एमएलए जो है वो भिवंडी को रिप्रेजेंट करते हुए हाउस में नजर आते हैं, सेशन में नजर आते हैं, लेकिन कभी हमारे भिवंडी वेस्ट के आमदार हमें नजर नहीं आए हाउस में रिप्रेजेंट करते हुए भिवंडी को, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है, मैं काम में ज़्यादा ये इंटरेस्ट लेता हूँ, मेरे काम में किधर है, और वो जो जितना बोलते हो समझ, वो होशियार है, उनको मालूम आता है ज़्यादा है, मैं भी मानता हूँ ऐसा नहीं, लेकिन बोल के काम होता है क्या? काम तो होना चाहिए ना। आज मैंने बहुत बार देखा है कि आज भी मेरे पास वो आज टोरेंट का सब्जेक्ट सबने लिया, तो कुछ ने पूरा पढ़ा, क्या काम किया? वही के वही है सारी चीज़ें। वो बताओ ना मेरे को काम क्या हुआ, सिर्फ बोल के क्या करने का है? जिस दिन करने का रहेगा ना, सबसे आगे मैं रहूँगा, ये मैं तुमको बोलता हूँ, और कोई भी समस्या रहेगी भिवंडी वासियों की तो मैं रहूँगा आगे, मैं किधर जाने वाला नहीं हूँ। एक बोलने और एक बोलता हूँ, देखो आज मैं एक टोरेंट के सब्जेक्ट हर बार बोलते हैं, क्योंकि मेरे को भी आज 50 लोग रोज का टोरेंट का लेके काम आते हैं, तो मेरे को भी काम करना है। हाँ। मैं भी एक, लेकिन जब जिस दिन होने का रहेगा टोरेंट का जो करना रहेगा, हाँ, उससे सबसे पहले मैं रहूँगा, ये आपको वादा करता हूँ। आज क्या चल रहा है चलने दो, इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। आज भी मैं हूँ तुम्हारे साथ, क्या करना है बताओ। आज भी जितने लेटर मैंने लिखे हैं देखो टोरेंट के खिलाफ है, लेकिन सिर्फ आप बोलते गैट अप में देखा, रुपेश मात्रे भी था टोरेंट के खिलाफ बहुत बोले, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। फिर उसके वजह से क्या होता है, पब्लिक का छोटा छोटा काम भी नहीं होता। हाँ। रुपेश मात्रे विधान पर जो अपना सेशन चलता है, सेशन में 3 बार वो जीने पे बैठे, यानी पायरी पे बैठे। अच्छा। क्या टोरेंट के मसले में? हाँ। लेकिन उनसे ये कैसा है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो हमको खुद ना ले, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, टोरेंट ये कर रहा है, गवर्नमेंट करने हाथ लगाने के जरिए नहीं दे रहा, क्योंकि अपन गए टाइम के बिल इतनी थक बाकी है क्या है, तो उनको लगता है फिर कौन देखेगा। तो गवर्नमेंट इसमें कोई गवर्नमेंट, मैं देखो ना कांग्रेस की है, बीजेपी की है, अभी शिवसेना की है, कोई उसको चाहता नहीं कि टोरेंट जाए जी। एक मैं हकीकत बोलता हूँ, ऐसा ये नहीं है। तो इसके लिए अभी आप बोलते ना, हमने कोशिश की, रुपेश मात्रे था तब मैंने गया, तभी भी गई नहीं। आज आप भी सरकार में हो, आप कोशिश करो कोई। हाँ। तो देखो हम तुम्हारे साथ होंगे, हम किधर नहीं बोलते, हम पहले रहेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन जिधर नहीं है सिर्फ को बोल मैं ये करूँगा वो करूँगा बोल के मतलब नहीं, सिर्फ मैं उधर जाके बोल के रहूँ। दादा, एक आप खाली हमारी भिवंडी की जनता से थोड़ा सा कुछ एक मैसेज दे दीजिए, आप अपने इसमें लफ्ज़ों में क्या क्या कहने चाहेंगे? भिवंडी के अभी कोरोना चल रहा है तो सब लोग एक अच्छी, अभी कैसा ये बढ़ रहा है जी। तो बढ़ रहा है तो अपन भी सतर्क रहे, क्योंकि भिवंडी में अभी कम है। हाँ। और भिवंडी के लोग एकदम बेफिक्र हुए, अभी बेफिक्र ना हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है अपन को, अपने को लगता कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन एक बार ऐसा ये लाट आएगी या नहीं, हाँ, हाँ, ये तूफान आएगा तो सबको लेके जाएगा। इसके लिए आप भी आप सतर्क रहे, जो गवर्नमेंट ने जो रूल दिए हैं उसका पालन करें,
और आगे तो अपना हाई ये तो ये जो यानी बोलते हैं मुसीबत जो पूरे देश में विश्व में आई है, एक बार वो चली जाए तब तक आप तो शांत रह के इसका पालन कीजिए, इतना ही बोलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दादा हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे बने रहिए, थे भिवंडी वेस्ट के आमदार महेश चौधरी साहब, जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखी। जनता के जो बहुत सारे सवाल थे कि वो नज़र नहीं आते, वो काम नहीं कर पाते या ये नहीं, तो वो सारी चीज़ों को इन्होंने बखूबी जवाब दिया है। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए, और भी जो आप लोगों के मुद्दे हम आपके सामने लेके आएंगे। मैं फिरोज मेमन द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।